आज बड़वानी जिले में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अनलॉक को लेकर लिए गए हैं कई निर्णय, जिसका कल से विस्तृत प्रेस नोट जारी होगा। 1 जून से शर्तों के साथ होगा अनलॉक। वहीं कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा ने अनलॉक को लेकर कहा है कि बैठक में अलग अलग समय का निर्धारण की बात हुई है, पर हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि पर्याप्त ज़्यादा से ज़्यादा समय दुकानदारों को मिल सके। देखिए बड़वानी कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने अनलॉक को लेकर क्या कहा। अनलॉक को लेकर जो बैठक हुई सर, उसके संबंध में क्या गाइडलाइन है अनलॉक को लेकर? आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी सभी जिलों में उद्बोधन दिया गया है और उन्होंने डिटेल में पूरा उसकी गाइडलाइन जारी कराई गई है। शासन की ओर से 1 जून से जो अनलॉक की प्रक्रिया की जाना है उसकी डिटेल गाइडलाइन आ चुकी है। आज ही जिले की जो जिला कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक थी, उसमें भी जिले की परिस्थितियों के हिसाब से सुझाव भी आए हुए हैं। इसका कल डिटेल में एक आर्डर निकाला जाएगा, उसमें सारी चीज़ों का उल्लेख होगा कि कौन सी गतिविधियाँ खुली रहेंगी, कौन सी बंद रहेंगी, और जो खुली रहेंगी उसमें क्या क्या चीज़ों का पालन होगा। विशेष करके जोर ये दिया जाएगा कि जो भीड़ भाड़ वाला एरिया है, भीड़ भाड़ वाला कहीं पर भी, चाहे वो मंडियाँ हों, चाहे अन्य तरह के बाज़ार वगैरह हो, जहाँ पर कोई कोरोना का उल्लंघन न करे, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं। इसमें कोरोना की गाइडलाइन का कैसे पालन हो, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन हो, इसके लिए हम अपना नीचे के जो हमले की ड्यूटी भी लगाएंगे। और ज़िले में चूँकि जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जिला सीमावर्ती जिला होने की वजह से हमको हमेशा खतरा बना रहता है, तो हम लोग बॉर्डर वाला एरिया भी सील करने का पूरा प्लान किया है। बॉर्डर भी सील रहेगा और डिटेल में कल आदेश निकाला जाएगा, और उसका कल आदेश निकलने वाले हैं, परसों पूरे जिले में इसका प्रचार प्रसार कराया जाएगा और 1 तारीख से अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। सर परिवार है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे, उसमें हम लोगों ने जो चर्चा किया है क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में, उस हिसाब से जो पॉइंट ऐड करना वो ऐड करेंगे, नहीं तो पूरा आदेश कल जारी कर दिया जाएगा। बड़वानी अच्छी स्थिति में है, हमारा जिला पूरा आज की स्थिति में जिले में हमारे यहाँ जो 409 पंचायतें हैं उनमें से 60 पंचायतें ही केवल येलो जोन में हैं, बाकी पंचायतें ग्रीन जोन में है। येलो जोन में 1 से 4 एक्टिव केस हैं, और वो भी हम लोगों के जो डेली कुछ न कुछ पंचायतें वो ग्रीन जोन में कन्वर्ट हो रही हैं। अभी 2-1 दिन में हमारी हो सकता है कि और पंचायतें ग्रीन जोन में आ जाएं। ऐसे ही हमारे पूरे ज़िले में जो वार्ड्स हैं नगरी एरिया में, केवल 3 वार्ड रेड जोन में है, जिसमें केवल 5 या 5 से ज़्यादा पॉजिटिव केस हैं, एक्टिव पॉजिटिव केस, बाकी सभी वार्ड्स में या तो वो ग्रीन जोन में है या येलो जोन में है। पूरी हमारी जो टीम है अभी भी उसी शिद्दत से काम कर रही है जैसे पहले कर रही थी। हम लोग फर्स्ट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके और अधिक से अधिक सैंपल लेकर के हम लोग रैंडम सैंपल भी ले रहे हैं, ताकि कोई पॉजिटिव केस हो तो उनको भी हम लोग होम क्वारंटाइन और उनको इलाज ठीक से कर सकें। यह प्रक्रिया हमारी आगे भी जारी रहेगी, और जहाँ जहाँ भीड़ वाला एरिया है उसमें हम लोग कुछ अधिकारी ड्यूटी लगाएंगे, उनके साथ में पर्याप्त नीचे हमला दिया जाएगा। इवन बाज़ारों में जो कोरोना की गाइडलाइन का पालन हो उसके लिए हम लोग ऐसे कर्मचारी तैनात करेंगे कि वो केवल बाज़ार में अपना वीडियो या फोटो खींचता रहेगा कहीं उल्लंघन हो रहा है, और उसके बाद में उन पर ऐसे दुकानदारों पर जो इसका उल्लंघन करेंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। दुकानदारों को भी हम लोग ये निर्देश जारी कर रहे हैं कि वो अपनी दुकान के बाहर पक्के गोल घेरे लगाए, और गोल घेरे पर ही वो लोगों को सामान देगा, और यदि वो बिना मास्क देता तो भी उस पर कार्रवाई होगी, तो बिना मास्क के किसी को सामान नहीं दिया जाएगा। और जो बड़ी दुकान है जिसमें लोग अंदर जाएंगे उसके लिए भी हम ये निर्देश जारी कर रहे हैं कि वो अपनी दुकान में थर्मल स्कैनर और जो पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था रखे, ताकि वो अंदर प्रवेश से पहले उसके चेक कर ले, और यदि कोई व्यक्ति संदिग्ध लगता है तो उसको सामान वगैरह ना दे। डिटेल में कल आदेश जारी किया जाएगा, क्योंकि आज भी हमारे जो जिला स्तरीय समिति से खंड स्तरीय समिति के लोग भी जुड़े थे, उनके भी सुझाव लिए हुए हैं, अलग अलग राय दिया, वो किसी ने 2 बजे तक का बोला, किसी ने 4 बजे तक बोला, किसी ने 5 बजे तक बोला हुआ है। हमने जिला स्तरीय समिति में विचार विमर्श किया हुआ है, सभी की राय लगभग ये है कि हम लोग पर्याप्त समय दें, तो हम लोग 5 या 6 बजे तक का शाम का समय का प्लान कर रहे हैं। कल इसका आदेश में जब जारी करेंगे तो उसका उल्लेख किया जाएगा, और जो शासन की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के तहत में और कुछ जिले की नीड के हिसाब से आदेश जारी होगा। 1 तारीख से इस पर शासन ने भी गाइडलाइन जारी करी है, उस गाइडलाइन को फिर से देख के और हमारे ज़िले की जनता की जो मांग है, किन चीज़ों को शिथिलता प्रदान करना है, किन में सावधानियां रखना है, आदि चीज़ों को देखने के बाद निर्णय लेके जो विस्तृत आदेश है वो कल या परसों में जारी किया जाएगा।